नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी भारत न्यूज टाइम। आज होगी धामी कैबिनेट की बैठक, बहुत अहम मानी जा रही ये बैठक। बैठक में यूजीसी ड्राफ्ट, नई आबकारी पॉलिसी समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर दून पुलिस ने कसी कमर, सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम, 150 लोगों को भेजा नोटिस। जगतगुरु रामभद्राचार्य की बिगड़ी तबीयत, देहरादून अस्पताल में कराया भर्ती, सांस लेने में हो रही थी परेशानी, इलाज के बाद उनकी तबीयत ठीक। मुख्यमंत्री धामी ने पौनी को दी 800 करोड़ की योजनाओं की सौगात, रोड शो के साथ विपिन रावत पार्क का किया लोकार्पण, शहीद जसवंत सिंह रावत की मूर्ति का अनावरण भी किया। सिलक्यारा टनल में फिर होगा बड़ा ऑपरेशन, डी वॉटरिंग के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान उठाएंगे जोखिम, भूस्खलन के मलबे के कारण कार्यदायी संस्था और निर्माण कंपनी नहीं कर पा रही डी वॉटरिंग का काम। आईएफएस पराग मधुकर धकाते बने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव, अतिक्रमण हटाओ अभियान बेहतर काम का मिला इनाम, आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक पर छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद उन्हें पद से हटाया गया था। मलिक का बगीचों में बने अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलने से पहले विरोध में उतरे धर्मगुरु, प्रशासन से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने की उठाई मांग। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, यूपी उत्तराखंड के पुलिस अफसरों ने आयोजित की बैठक, तैयारी कर बनाया मास्टर प्लान। उत्तराखंड में बर्फबारी से नजारा हुआ दिलकश, सभी हिल स्टेशनों में बिछी बर्फ की सफेद चादर, बेरीनांग में बारिश और बर्फबारी के बाद पर्वतमालाएं बर्फ से लकदक। उत्तराखंड के 8वीं के छात्र किशन चंद्र की बनाई V10 ग्रास कटर मशीन का जापान में होगा प्रदर्शन, मां की परेशानी देख कर आया था आइडिया। ज्यादा खबरों के लिए लॉगिन करें tvbharat.com।